मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित रोजगार उत्सव में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश और समाज का विकास करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को समय पर भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं की जो इच्छा और अपेक्षा है कि वैकेंसी निकलनी चाहिए, हमने युवाओं से कहा है कि वैकेंसी हम निकालेंगे। हर महीने जो रिटायरमेंट होते हैं किसी कारण से होती है, निश्चित रूप से उनकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया है कि कैलेंडर बनाते हुए युवाओं को उस वैकेंसी के आधार पर आगे रिक्त स्थानों पर जगह निकाली जाएंगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार के कार्य भी किए जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता है अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारा अग्रणी राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने और युवाओं की उसमें साझेदारी हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।